चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुए में कहीं भी मिला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अपूर्व अवसर आता है वेद विज्ञान की सहज धारा बहती है। जहां ज्ञान की धारा बहती है वहां कर्म की धारा नहीं, जहां कर्म की धारा है वहां ज्ञान की धारा नहीं, और ये ज्ञान कर्म इन दोनों की धारा का कदापि मिलन नहीं हो सकता। ऐसी दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। ज्ञान सदैव जानने रूप परिणमित होता है, वह अपने में, अपने से, अपने में रह करके अपने रूप परिणमित होता है। ज्ञान के परिणमन में न तो ये इंद्रिया है, न तो परद्रव्य है, न तो कर्म का क्षयोपशम है, न तो रागादि विकल्प है। किसी भी पर का आत्मा के निर्मल ज्ञान के परिणमन में प्रवेश नहीं है। ऐसी यथार्थ श्रद्धा होते ही सिद्ध परमात्मा की पहचान हुई। देह रहित सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध हुए, ऐसे ही दृष्टि में स्वयं को सिद्ध स्वरूप अनुभव किया। यह अनुभव किया कि जहां मेरा अस्तित्व है वहां पृथ्वी नहीं, वहां मिट्टी नहीं। यह चैतन्य चांद देह की मिट्टी से अत्यंत दूर है। आकाश के प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो दोनों एक क्षेत्रावगाही है, मगर जहां स्वरूप में स्वरूप का वेदन हो, स्वरूप में स्वरूप की अनुभूति हो, स्वरूप स्वरूप में अभेद हो, निर्विकल्प हो, तब कहां है देह ये पता नहीं। वे देह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस वहां वस्त्र गिरा है, वस्त्र पड़ा है और उपयोग अंतर्मुख हुआ है। अनंत काल के लिए द्रव्य में ऐसा अभेद उपयोग स्थिर होने की तैयारी। भावना तो भाई अज्ञानी ने भी बहुत, तुमने भी बहुत बार यह भाव भाया कि वह दशा प्रकट हो कि निर्विकल्प अनुभूति हो, मगर निर्विकल्प अनुभूति के लिए किया क्या, पुरुषार्थ कितना किया, सपन तो बहुत देखे मगर अभ्यास कितना किया। लक्ष्य बहुत ऊंचा चुना है मगर ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ कितना किया।
मुफ्त में मोक्ष नहीं मिलता, मुफ्त में मौत मिलती है। प्रति समय इन विकल्पों से ही जन्म मरण होते रहे कि मैं आत्मा को पाना चाहता हूं। क्षणिक का बोध होते ही और नित्य की अनुभूति होते ही फिर ज्ञानी मुनि के लिए आगे कदम बढ़ाता है, भावना भाता है, चैन नहीं पड़ता, प्रत्येक क्रिया में खेद बना रहता है। इतना समय व्यर्थ में गवाना, एक टाइम की रोटी के लिए 8-8 घंटे दुकान पर बैठ करके व्यर्थ में समय को गवाना, इंद्रियों के विषयों में पाप की वृत्ति और प्रवृत्तियों में समय गवाना, एक धागे के परिग्रह के कारण, एक वस्त्र के कारण इतना परिग्रह जोड़ना कि वस्त्र पहनना है, वस्त्र को बदलना है, नया वस्त्र खरीदना है, वस्त्र को धोना है, वस्त्र गंदा तो नहीं हुआ, वस्त्र बदल करके फिर वो पुराने वस्त्र को, कितने कितने विकल्प आते हैं। एक जोड़ी कपड़े अपने पास में रखे तो भी इतने विकल्प आते हैं कि बरसात के दिन है, सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, क्या होगा, कल फिर यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। एक जोड़ी वस्त्र रख कर के भी यदि ये विकल्प होते हैं, खेद होता है कब आएगी वह दशा कि इन वस्त्रों का भी विकल्प न हो और निरंतर नित्य चैतन्य की धारा और उपयोग अंतर्मुख हो, उतना भी विकल्प नहीं। भावना पाते हैं वह अपूर्व अवसर आए मुनि धर्म अंगीकार हो। मृत्यु के बाद तो इस देह पर निकट काल में ही वस्त्र उतर जाएंगे। आत्मा देह में से निकला कि स्मशान में चिता पर देह पर एक भी वस्त्र का परिग्रह न होगा। वह दशा आए कि आत्मा देह में से निकलने से पहले ही देह पर धागे मात्र का परिग्रह न रहे। जैसा आया ऐसा गया, बालक नग्न होकर के आया और ऐसी ही प्राकृतिक नग्नता में गया। सत्य है मनुष्य का शरीर स्वाभाविक दृष्टि से देखे तो नग्न ही है, मनुष्य के शरीर की रचना भी नग्न ही हुई थी, वस्त्र पहन करके मां के गर्भ से नहीं निकला था, ये स्वाभाविक दशा है नग्नता। और जब भीतर में स्वभाव प्रकट होता है तो बाहर भी ऐसी ही स्वाभाविक दशा प्रकट होती है, नग्नता प्रकट होती है, ऐसी ही दशा प्रकट होती है। आयुष्य बढ़ता आगे जाता है और आत्मा में भी ऐसी परिणति निर्मल होती है। जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है शरीर की स्थिति पीछे की ओर जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मुनि धर्म जब अंगीकार होता है, परिणति निर्मल हुई, मोक्ष की ओर आगे जा रहा है, मगर वह जवान पीछे की ओर जा रहा है, जवान बचपन की ओर जा रहा है और परिणति निर्मल हो रही है। ऐसी वह दशा है कि जब आत्मा में ऐसा पुरुषार्थ हो और आत्मा वन की ओर यात्रा करता हो, मुनि होकर के वन की ओर जाए, जब बचपन में शरीर पर धागा नहीं था, ऐसे ही यहां पर शरीर पर धागा नहीं, और एक ऐसी दशा आएगी कि जब परिणति निर्मल होगी तो जैसे भूतकाल में बच्चा नग्न था, उससे पहले मां के गर्भ में था, दिखाई भी नहीं देता था, जब इतनी परिणति निर्मल होगी तब नग्न तो हो गया, अब किसी गुफा के भीतर होगा, वो और दूर गया कि अब जगत को दिखाई भी नहीं देता, और ऐसी दशा होगी कि मां के गर्भ में है इतना तो पता था, मगर उससे पहले तो कहां था उसका भी पता नहीं। और ऐसे ही मुनि गुफा में स्वरूप में लीन होकर के ऐसी पूर्णता को उपलब्ध हुए कि कहां गए ये पता नहीं, वे लोक के अग्रभाग में विराजमान, वे अनंत में विराजमान हुए। भूतकाल में भी ऐसा था कि मां की गोद में से नहीं, निगोद में से निकला था,
और यहां ऐसा हुआ कि सिद्ध शिला पर विराजमान हुआ। पहले ऐसा था कि अनंत की संगति में था और बाहर निकला था, अब अनंत की संगति में गया, अनंत सिद्धों की संगति में गया। परिणति की निर्मलता ऐसी है भगवान, जब स्वरूप के आश्रय से परिणति ऐसी निर्मल होती है तब मुनिराज की कैसी दशा है। परम कृपालु देव यह कहते हैं, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां, अंते थाए नीज स्वरूप मां लीन जो। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, मुनिराज के योग की प्रवर्तना का प्रयोजन संयम है। मुनिराज सोचते हैं, बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं संयम हेतु। ये देह वाणी और मन का उपयोग हो रहा है संयम हेतु, तत्व विचार भी चलता है। ज्यादातर शक्ति हमारी विचार में बर्बाद होती है, तत्व विचार में हमारी शक्ति सदुपयोग होता है स्वरूप का चिंतन करने में। यह देह वैसे भी क्षीण तो हो रहा है, प्रति समय यह शरीर के परमाणु शिथिल हो रहे हैं। अभी आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, पैरों से चला जा सकता है, मगर कभी ये विचार नहीं आया। बुढ़ापे में ये पछतावा होता है, फिल्म को न देख करके वितरागी परमात्मा के दर्शन किए होते फिर पछतावा होता है, मनोरंजन के गाने न सुनकर चैतन्य तत्व की पुकार सुनी होती, जिन पैरों से इंद्रियों के विषय के भोगों को भोगने गया था उन्हीं पैरों से वितरागी गुरु के दर्शन करने के लिए वन में खोज करने जाता, ये इंद्रियों के परमाणु का सदुपयोग हो सकता था। मुनिराज की वह दशा है कि ये पांच इंद्रिय, ये मन वाणी और काया, ये योग का उपयोग होता है संयम हेतु। अब ये देह के परमाणु को उस प्रकार से उपयोग करता, पांच इंद्रियों का उपयोग करता संयम हेतु, वस्तु को लेना, वस्तु को रखना, प्रत्येक क्रिया में ये प्रयोजन है कि संयम हो। संयम का भाव है संयमित करना, लिमिटेशन, सिमट जाना, सिमट जाने का नाम संयम है। पांच इंद्री और मन, इन पांच इंद्री और मन के माध्यम से जो आत्मा का उपयोग और पदार्थों को जानता था, एक समय ऐसा आया कि पांच इंद्री और मन के निमित्त से उपयोग पर में न गया और उपयोग उपयोग में स्थिर हुआ, उसमें इंद्री और मन की जरूरत नहीं होती। उस समय ऐसा अपूर्व चमत्कार घटित हुआ, यह चमत्कार घटित हुआ कि अपना वैभव अपने में ही स्थित रहा और आनंद भोगता है। पांच नलों में से जो पानी बहता था वह पांच नल में से एक नल बंद कर दिया तो चार नल में से पानी अब तेजी से बहने लगा, फिर दो नल बंद कर दिए तो तीन नल में से पानी के बहने की गति बढ़ गई। ये पांचों नलों में से पानी अब बहता बंद हो गया तो जो ऊपर टंकी में पानी था पानी पानी में ही रह गया, वहीं पर ही रह गया। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये इंद्रिय, ये पांच द्वार, ये पांच नल, ये पांच खिड़कियां, ये रहती तो है मगर खिड़की से ये ज्योति बाहर नहीं जाती, ज्योति से ज्योति प्रकाशित तो होती है मगर पांच इंद्रियों के ये परमाणु, ये मुर्दा, ये जैसा है ऐसा ही रहता है, इसलिए तो मृत देह हो जाता है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जब देह मृत देह हो और ये श्रद्धा होती है कि ये देह के परमाणु सदैव मृत देह ही है, क्योंकि देह के परमाणु में बहता हुआ वह ज्ञान
वह देह में बहता ही नहीं था। भले ही ये कहते थे कि नल में से पानी बहा, मगर नल में से तो पानी निकलता ही नहीं, क्योंकि नल का स्वभाव ही नहीं जहां पानी हो। कहते हैं नल में से पानी आता है, वास्तव में टंकी में से पानी आता है। वास्तव में टंकी में से भी नहीं, वास्तव में पानी में से पानी आता है। ये इंद्रियों में से, जैसे ही तुम्हें ज्ञान हो कि सामने दीवार है, दीवार का ज्ञान हो, आंख में से ये ज्ञान बाहर नहीं निकला। यह ज्ञान आंख में से भी नहीं निकलता, यह नल में से पानी नहीं निकलता, पानी है वहां से ही पानी व्यक्त हुआ है, और यह नया जन्म नहीं लेता। वहां टंकी में पानी पहले भी था, अभी तुम्हें दिखाई देता है। यह ज्ञान त्रिकाल सत्ता स्वरूप है जो पर्याय में व्यक्त होता है। जो दीवार में से ज्ञान नहीं आया, ऐसे ही ज्ञानी को जागृति है, ये राग की दीवार में से ये ज्ञान नहीं आया, ये ज्ञान नहीं आया, यह जागृति गरम गरम पत्थर है, और पत्थर पर नग्न मुनिराज बैठे हैं, चमड़ी चलती है, बाद में चिता पर चलेगी, अभी ये पत्थर पर चलती है। दोनों में अंतर नहीं लगता। जो व्यक्ति इस मृत देह में से निकल गया, जो आत्मा इस मृत देह में से निकल गया, उसे पीड़ा नहीं होती। वहां पर चमड़ी तो जलती है, स्मशान में मृत देह पर मुनिराज की वह दशा है, समझ से भरपूर मुनिराज। वहां पत्थर पर शरीर और चमड़ी जलती हो, जलती चमड़ी में यह गर्म का जो ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान गर्म पत्थर में से नहीं हो रहा, वह ज्ञान चमड़ी में से नहीं हो रहा। चमड़ी में से ज्ञान बाहर निकलता नहीं, नल में से पानी बाहर जाता है, मगर पानी पानी में ही है, वो पानी नल में कहीं पर भी नहीं। और वहां जो पत्थर है, उस पत्थर में से भी गर्म का ज्ञान नहीं आया। ये ज्ञान की सत्ता को इतना अलग देखा कि न पर में से ज्ञान आता है, न देह में से ज्ञान बाहर जाता है। दीवार का ज्ञान दीवार में से भी नहीं आता, और दीवार का ज्ञान आंख में से भी बाहर नहीं आता। ये आंख आंख में है और दीवार दीवार में है, और ये दीवार है ऐसा जानने रूप परिणमन होता है, ये ज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व है। गिलास का आकार गिलास के कारण है, और पानी का आकार पानी के कारण है, वरना पत्थर के टुकड़े डालने पर पत्थर के टुकड़े का आकार गिलास जैसा होता। वो गिलास के कारण नहीं है, वो पानी के अपने कारण है। तो गिलास का आकार और पानी का आकार ये स्वतंत्र है। ज्ञानी को ये सामने जो राग की दीवार है, और राग की दीवार का जो ज्ञान होता है, जो जानना होता है, वो जो ज्ञान की अवस्था तैयार होती है, वो इतनी स्वतंत्र दिखती है। ये दिखती है, दिखती है, ऐसे दिखती है। और एक महत्वपूर्ण बात जो सर्वोच्च है, जिसे समझे बिना अनुभूति नहीं, जिसे समझे बिना चैतन्य रसामृत का स्वादन नहीं, ये जो ज्ञान की अनुभूति होती है, उस अनुभूति में जिस समय गिलास तुम्हारे सामने आए, उस समय तुम इतनी समझ से भरना कि गिलास का आकार अपने कारण और पानी का आकार अपने कारण। मगर जिस समय तुम गिलास को हाथ में पकड़ो और ये जानो कि गिलास का आकार गिलास में है, पानी का आकार पानी में है, मगर तुम्हें प्यास बहुत लगी, और जब तुम पानी को पीते हो, पानी जब जीभ को छूता है, जैसे ही छुआ उस समय तुम्हें किसके आकार का विकल्प है, न पानी के न गिलास, दो में से किसी के भी नहीं, वहां शीतलता का अनुभव हुआ। तो पहले तो ये जानो कि इंद्रियों के आकार इंद्रियों में है, ज्ञान का आकार ज्ञान में है, ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, ज्ञान का आकार ज्ञान में है। और ये अनुभव करो कि जो ये ज्ञान का आकार है, उस ज्ञान के आकार में भी आकार पर जोर नहीं, सत्ता पर जोर। इसलिए पानी का आकार एक सा नहीं रहता, फिर भी तुम्हारी जागृति तो रहती है। ये चैतन्य तत्व की जागृति, ये जागृति परम धर्म है। चैतन्य तत्व की ऐसी ही जागृति
विकल्प से पार ऐसी ये चैतन्य सत्ता की जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। इसके बारे में थोड़ा और समझे। पानी पीते समय गिलास का आकार भी अलग है और पानी का आकार अलग है। गिलास का आकार तो वही लगता है, पानी का आकार प्रति समय बदलता है। जैसे हम हाथ में गिलास ले और पानी जब पीते हैं तो पानी बहता है, पानी में गति है, गति और गति के कारण पानी की अवस्था भी बदलती है। मगर इतनी बार पानी पिया, कितनी बार ये विकल्प आया कि ये बहता पानी, कितनी बार ये विकल्प आया कि गिलास कौन से आकार का है और पानी कौन से आकार का है, उस समय पानी जीभ को जैसे ही छूता है और तुम्हें तृप्ति मिली, उस समय आकार की और दृष्टि नहीं। इसलिए भगवान आत्मा साकार है, शेपलेस नहीं है, आकार तो है, जैसा देह है ऐसे ही आत्मा का आकार, क्योंकि आत्मा में प्रदेशत्व नाम का गुण है। इस जगत में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें आकार न हो, क्योंकि ये आकार वाला ये प्रदेशत्व गुण सभी द्रव्यों में, ये सामान्य गुण। आत्मा साकार है, मगर निर्विकल्प अनुभूति के काल में आत्मा का आकार विकल्प में नहीं आता, उसका विकल्प नहीं होता, इसलिए निराकार का। आत्मा का आकार आनंद का कारण नहीं बनता, इसलिए निराकार का, क्योंकि अनंत सिद्धों के आत्मा का आकार अलग अलग है। अनंत सिद्धों के अंतिम देह का आकार अलग अलग था, और सिद्धों का आकार अंतिम देह से किंचित न्यून है, किंचित अल्प है, इसलिए आकार तो सभी का अलग अलग होगा। हमारे शरीर का आकार भी अलग अलग है, गुरुदेव के कृपालु देव के शरीर का आकार अलग अलग है, आकार शरीर का अलग है, आत्मा का आकार अलग है, ज्ञान की अवस्था का आकार अलग अलग है। अवस्था का आकार बदलता है, मगर वह सहजता और स्थिरता स्वरूप 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 के आश्रय से वह जो परिणति की धारा में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पहाड़ को देखा और फिर नदी को देखा, मुनि विहार करते हैं। पहाड़ ज्ञान में जानने में आया तो ज्ञान की अवस्था ज्ञान का आकार ऐसा, मगर जोर वहां पर अवस्था पर नहीं है, जोर उस सत्ता पर है, वो जो स्वरूप है स्वरूप पर है। दर्पण में एक गोला प्रतिबिंबित हो, गोल आकार प्रतिबिंबित हो, लड्डू प्रतिबिंबित हो और बर्फी प्रतिबिंबित हो, गोल है और कोई चौरस, तो ये गोल प्रतिबिंबित हो चौरस प्रतिबिंबित हो, मगर तुम्हें पता है तुम्हारे दर्पण का आकार जैसा है ऐसा है, तुम्हारा दर्पण उस आकार के कारण बदल नहीं जाता। प्रतिबिंब तो होता है मगर वो सत्ता तो वही है। तुम निश्चिंत हो कि मेरा दर्पण मेरे पास है, जैसा है ऐसा है। तो ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, प्रतिबिंबित होता ज्ञे जिस ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हो, अवस्था नई 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 बदलती हो। मगर अरुचि, अरुचि का अर्थ द्वेष नहीं, अरुचि का अर्थ जिसमें सुख नहीं माना, जिसमें सुख नहीं माना, कितनी भी घटना घटित होती। इराक में क्या युद्ध हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में क्या हो रहा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या हो रहा, ये सब तुम जानते हो, अखबार में पढ़ते हो, मगर मुझे क्या। चाय पीते पीते इतने हजारों लोगों की मृत्यु, मगर चाय का कप नीचे गिरता नहीं है। चुस्किया लेते लेते चाय को पीते जाते हो, मगर कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो रहा है वो वहां हो रहा है, मेरे पास क्या। ज्ञानी को ये जागृति, पहाड़ ज्ञान में जानने में आया, ये ज्ञान की अवस्था, नदी ज्ञान में जानने में आई, ये ज्ञान की अवस्था, मगर ये अवस्था में मैं कहा, दृष्टि यहां नहीं है। जहां अवस्था बदलती है दृष्टि तो यहां है,
जहां अवस्थाओं में व्याप्त स्वरूप टिका हुआ है। यह स्वरूप की जागृति, ये चैतन्य 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 की जागृति ऐसा स्वरूप है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अप्रभावित रहते हैं और इसलिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञान में जानने में आया, कितनी उछल कूद हो जाए, कितनी उछल कूद हो जाए, चैन न पड़े। जिस बेटे को तुम देखना चाहते हो, जिस पत्नी को, पति को तुम देखना चाहते हो, कितने ही दिन से तुमने देखा न हो, और जैसे ही तुम्हें दिखाई दे तुम्हारे हाथ कैसे फैलते हैं, तुम बाहे फैलाते हो, आ जाओ मेरे पास। तुम भागते हो, दौड़ते हो, जिसे तुम देखना चाहते थे, जिसे तुम देखना चाहते थे, और तुम्हारी हालत देह की क्या होती है, और आत्मा की अनुभूति में जिसे अनादि से नहीं देखा था और आत्मा जानने में आए, तो देह की हालत बिल्कुल स्थिर क्यों हो जाता है? ये स्थिरता क्यों होती है? योग कैसे ठहर जाता है? इसकी कारण है क्योंकि बेटे को देखना चाह वो विकल्प से, पत्नी को देखना चाह विकल्प से। जब पत्नी दिखाई देती है तब विकल्प खड़ा है, बेटा दिखाई देता है तब विकल्प खड़ा है, और यहां चैतन्य दर्शन देता है उस समय विकल्प गिर गया है, इसलिए योग भी गिर जाता है। विकल्प गिर गया कि योग भी गिर गया, इसलिए मन शांत हो गया। उसे कहते मन पावे विश्राम, बनारसी दास जी ये कहते हैं नाटक समय सार में, मन पावे विश्राम, मन विश्राम पाता है। विकल्प नरा, विकल्प मात्र तरंग, बुरे विकल्प मत कहना, विकल्प मात्र बुरे, बुरे विकल्प मत कहना। सागर में तूफान आया, तूफान आया, बुरा तूफान नहीं, तूफान ही बुरा, तूफान मात्र बुरा है। अलग अलग कहने की जरूरत नहीं, बुरा और तूफान, तूफान ही बुरा है, खतरनाक, बस तूफान में ही खतरनाक बना है। और कहो कि अब तूफान शांत हो गया, शांत हो गया तो कहां गया? तो तूफान था क्या? शांत हो गया तो शांत होकर के कहां गया? वो शांत हो गया अर्थात रहा ही नहीं। तूफान का शांत होने का अर्थ ये नहीं कि तूफान है और शांत होकर बैठा है, तूफान शांत हो जाने का अर्थ है तूफान ही न रहा, विकल्प शांत हो जाने का अर्थ है विकल्प ही मर जाए, विकल्प ही न रहे। विकल्प का शांत होना विकल्प के अस्तित्व का सूचक नहीं है, विकल्प के मर जाने का। इसलिए अनुभूति के काल में मन विश्राम पाता है, विकल्प शांत होते हैं अर्थात विकल्प ही नहीं रहते। ये तरंग शांत हो गई अर्थात तरंग ही न रही। निर्विकल्प अनुभूति के लक्ष्य से मुनिराज का जीवन है। संयम ना हेतु थे योग नी प्रवर्तना, जिनके होती है योग की प्रवर्तना होती है, इसलिए विहार भी करते हैं तो संयम हेतु। एक स्थान पर न रहूंगा, यात्रा कर लूंगा आगे, एक में ही एक में राग न हो जाए, यहां राग न हो जाए। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, फिर कोई लकड़हारा उस पेड़ को काटने आएगा तो उस पेड़ के राग के कारण लकड़हारा के प्रति द्वेष होगा कि तुम मत काट इस पेड़ को, बेहतर यह होगा इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ की छाया में रहकर थोड़ी देर स्वरूप की मस्ती में रहे, अब आगे चलती है। इतना वैज्ञानिक स्वरूप है मुनिराज का, एक जगह पर न रहना, क्योंकि एक जगह पर रह करके फिर उसके आदि हो जाते हैं, और जब आदि हो जाते हैं तब बेहोशी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए तो तुम किसी भी जगह पर जाओ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, मगर फिर नींद आएगी।
नई जगह पर जैसे तुम जाओ, कोई नई होटल में जाओ, नए कमरे में सोना, पहले दिन तुम कहो कि नींद नहीं आई, दूसरे दिन कहो नींद नहीं आई, 3 दिन से ज्यादा, 3 रात से ज्यादा तुम रह नहीं सकते, फिर कैसे भी जगह पर तुम सेट हो जाते हो। मुनिराज कहते हैं हम सेट होने से पहले ही उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि सेट होने के कारण ही तो फिर अपसेट होना पड़ता है, वो अपसेट होने से बचने से पहले, होने से पहले हम सेट ही नहीं होते, हम विदा हो जाते हैं, क्योंकि नींद आ जाने की संभावना पूरी, और नींद आ जाए, बेहोशी आ जाए, उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं। आज तुमने हलवा पूरी खा लिया, वो इतना बड़ा अधर्म नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं 7 दिन से भूखा हूं, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने 8 दिन से भोजन नहीं किया, या ठाई करने वाले 8 दिन से कोई व्यक्ति भोजन न करे, और दूसरा कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 8 दिन से लगातार जाग रहा हूं, एक व्यक्ति कहे मैं 8 दिन से भूखा हूं, एक कहे मैं 8 दिन रात कंटिन्यूस लगातार मैं जाग रहा हूं, तो मैं किस में ज्यादा आश्चर्य लगेगा। भूखा तो कोई भी रह सकता है, मगर नींद के बिना नहीं चल सकता। मैं ये कहता हूं जागने में ज्यादा पुरुषार्थ, ये भीतर की बात करता हूं, चैतन्य तत्व की जागृति में पुरुषार्थ अधिक है, भूखा रहने में पुरुषार्थ नहीं, उसमें इतना आश्चर्य नहीं होता, वो तो कोई भी कर सकता है। इसलिए जागृति नींद के बिना अज्ञानी को चैन नहीं पड़ती, और जागने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जागने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। करीब 2000 बरस पहले चीनियों ने यह प्रथा शुरू की थी, सोने नहीं देना कैदियों को। मैं चीन में भी बहुत जेलों में गया, और वहां पर जाकर के मैंने निरीक्षण किया, आज भी कैदियों को यदि सताना हो तो उन्हें सोने नहीं देते, एक छोटी सी कोठरी में उसे बंद करके रखते, और जैसे ही ऊपर से पानी की बूंद बूंद उसके ऊपर टपकती है, जैसे ही सोने जाए टपक टपक वो पानी की बूंद उसके ऊपर टपकेगी, और वहां तो निरीक्षक होगा, चौकीदार होगा, जो ध्यान रखता होगा, जैसे ही सोए की जगाएगा, थोड़े ही दिन में फिर वो चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे मत मारो मत मारो मत मारो, मगर सोने नहीं देते। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगते, किसी कैदी को 4 से 5 दिन, फिर ये कहते यदि तुम्हें सोना है तो बता दो सच जो तुम छुपा रहे हो, और वो बोलने लगता है, फिर रहा नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि जागना बहुत मुश्किल है, और देह का जागना इतना मुश्किल है, तो चैतन्य तत्व का जागना कितना, वह तो अनादि से नहीं जागा, देह तो कम से कम 8-10 घंटे तो जागा, 12 घंटे जागा, 12 घंटे सोया, उसमें इतना मुश्किल नहीं है। अनादि से जो घटना नहीं घटित हुई वह दुर्लभ है, वह महादुर्लभ है, वह आत्म जागृति। इसलिए देह के लिए मैं नहीं कहता कि देह को जगाओ, मैं तो उल्टा कहता हूं कि देह को सोने दो, देह को जितनी जरूरत है उतनी देह को जरूरत की पूर्ति करो, जितनी देह को जरूरत है उतनी नींद दो, उतना भोजन दो। अपनी अपनी भूमिका अनुसार, अपने अपने शरीर अनुसार, क्योंकि इस शरीर का अभी उपयोग करना है, इस शरीर में कुछ निर्माण होना है, इसलिए तो मैंने कहा बच्चे के शरीर में कुछ निर्माण होता है, जहां निर्माण होता है वहां नींद की जरूरत होती है, शरीर में निर्माण हो तो नींद की जरूरत है। मां के गर्भ में तो बच्चा 24 घंटे सोता है, क्यों? क्योंकि शरीर बनता है, और यदि उस सोने में यदि कोई बच्चा कभी जाग जाए तो शरीर की रचना ऐसी नहीं होती, वो बच्चे लूले लंगड़े होते हैं, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है देह को बनने के लिए, और जवान को भी अभी देह को बनाना है तो सोना जरूरी है। बूढ़े को अब देह नया नहीं बनना, उसमें कुछ नया तैयार नहीं होता, बूढ़े में नया कुछ तैयार नहीं होता, इसलिए उसे नींद की जरूरत भी नहीं होती। जहां कुछ निर्माण होना है वहां देह को जरूरत है,
इसलिए मैंने आपको खास कहा कि चैतन्य की जागृति रखना और मुनिराज भी सोते हैं, संयम के हेतु मुनिराज भी योग की प्रवर्तना नींद ले लेते हैं रात्रि के अंतिम प्रहर, क्योंकि उस समय निद्रा का सबसे, इसलिए डॉक्टर को पूछो तो विशेषज्ञ तुम्हें कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट तुम्हें कहेंगे कि सोना है 6 घंटे, जैसे तुम 12 से 6 बजे तक तुम सोए, अब तुम 12 से 6 न सो और दिन में सो लो, दिन में 12 से 6 सो लो, आज कल रात को तुम नहीं सोए पूरी रात भर, मगर वो नहीं होगा, तुम में वो शक्ति शरीर में आएगी नहीं जो रात्रि में सोने से आएगी, सूर्य जितना दूर होगा उतनी तुम्हारी नींद गहरी होगी, नींद के लिए अंधेरा चाहिए, बच्चा मां के गर्भ में 24 घंटे सोता है क्योंकि वहां अंधेरा, नींद के लिए अंधेरा चाहिए और जागने के लिए किरण, ये ज्ञान की किरण जहां है वहां जागृति है, और राग सदैव सोता है क्योंकि वहां सदैव अंधेरा है। और खास करके मैंने जो सुबह का समय बताया वो खास महत्वपूर्ण, क्योंकि रास्ते पर देखो अखबार को पढ़ो तो पता चलेगा जितने अकस्मात हुए होंगे वो सुबह 3 से 6 के बीच में जितने अकस्मात हुए उतने किसी भी काल में, एक्सीडेंट में जितने लोग मरे उतने विश्व युद्ध में भी नहीं मरे, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखो, वो नींद आ जाने के कारण। इसलिए मुनिराज सो लेते हैं, संयम ना हेतु योग प्रवर्तना, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, जागते हैं सोते हैं खाते हैं, खाते हैं तो भी संयम के हेतु से, देह को पुष्ट करने नहीं संयम के हेतु से, जीव की जरूरत पूर्ण नहीं करते क्योंकि जीव को जरूरत न रही, पेट की जरूरत की पूर्ति और उसमें भी भूख से कम, इसलिए उनोदर का उदर को उतना कम थोड़ी जगह शरीर में रहे वरना प्रमाद होगा, इसलिए मुनिराज के आगे आहार के बारे में मैं बताऊंगा, 1000 चावल के दाने का 1 कोर, ऐसे 32 कोर का मुनिराज का जो आहार, उसकी जो लिमिटेशन, रोटी में कैसे रखेंगे, सब्जी में कैसे मर्यादा रखेंगे, दिन में 1 बार भोजन करना, हम भी 1 बार करते, एकासना करने वाले लोग हैं मगर 2-2, 3-3 टाइम का एक साथ में भोजन कर लेते हैं, कि शाम को भोजन नहीं करना, इसलिए थोड़ा ज्यादा भोजन कर लो। मुनिराज को यह जागृति है कि अभी अंतर मुहूर्त में उपयोग स्वरूप में लीन होगा, थोड़ा कम भोजन करो, वो परिणति ही ऐसी निर्मल है, जीव की जरूरत की पूर्ति नहीं करती, पेट की जरूरत, सांस भी चलती, सांस लेते हैं बंद नहीं करते मगर कर्ता नहीं बनते, न वे प्राणायाम करते हैं न वे विपश्यना करते हैं, प्राणायाम करके न सांस की गति को बढ़ाते हैं न घटाते हैं, विपश्यना करके न सांस को मात्र देखते हैं, वे दोनों से मुक्त होकर के चैतन्य का ही अनुभव करते हैं, न तो सांस के कर्ता बनते हैं न सांस के ज्ञाता बनते हैं, वे तो ज्ञाता के ज्ञाता रहते हैं, ये मुनिराज। योग की प्रवर्तना तो होती है मगर संयम के हेतु से, आंख तो खुलती है मगर देव दर्शन, आंख तो खुलती है मगर गुरु के दर्शन, आंख तो खुलती है मगर शास्त्र का लेखन, शास्त्र का पठन पाठन, ये देह की क्रिया होती तो है मगर संयम के हेतु से, कान तो खुले हैं मगर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग होता है, सुनना देखना सुंघना सांस लेना चखना विहार करना, ये देह की 5 इंद्रियों की क्रिया संयम के हेतु है, मन से विचार करते हैं तो चैतन्य का, वाणी से पुकार करते हैं तो चैतन्य की, और आहार लेते हैं
तब भी भीतर में चैतन्य का रस चखते हैं। विहार करते हैं तो विहार करती ज्ञान की पर्याय में भी स्वयं को ध्रुव देखते हैं। ये गुरु का स्वरूप है, ये मुनि का स्वरूप है। आज का दिन तो गुरु का दिन है, शिक्षक दिन कहते हैं ना। आज का दिन तो भारत देश में मनाया जाता है 5 सितंबर शिक्षक दिन। मुझे हमेशा ये स्मरण में आता है, सच्चे शिक्षक 5-9 का दिन ही मुझे पंच परमेश्वरी स्मरण में आते हैं, जिन्हें नवकार मंत्र में पूछते हैं। 5-9 का दिन यही शिक्षक है, 5-9 का दिन जिनसे ये सीखने को मिला। जिनके अंतर में शिष्टाचार भी है, जो क्षमावान भी है और जो करुणावान भी है, यही तो शिक्षक। शिष्टाचार भी है, क्षमावान भी है और करुणावान भी है, यही शिक्षक है। ये मुनिराज जिनके मौन रहने पर भी बहुत कुछ सिखा जा सकता है। इसलिए कहता हूं, मुनि के पास यदि तुम जाओ और मुनि कभी तुम्हें उपदेश भी न देने, तो चुपचाप पास में बैठ करके बहुत कुछ सीख लोगे। उनके पास में बैठ करके भी तुम्हारे हृदय की वीणा के तार जागृत होंगे, वहां पर भी वीणा बजने लगेगी। इसलिए ये कहता हूं, प्रवीण सितार वादक यदि कमरे के मध्य में रहकर के सितार को बजाता हो और कोने में एक सितार हो, तो उस सितार में से भी ऐसी ध्वनि उत्पन्न होने लगती है जैसे यहां उसके वाइब्रेशंस, उसके वाइब्रेशंस। कोई गीत गाने वाला गायक वो गाता हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। एक सितार वादक मुझे स्मरण में आया, उसकी ये शर्त थी कि मैं सितार बजाऊं उस जगह पर जहां पर लोग मेरे सितार को बिल्कुल एकाग्र होकर के सुने। राजा ने प्रोग्राम का आयोजन किया, उसे बुलाया, राज्य के अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जो सितार के चाहक थे, और कहा कि अब बजाओ। राजा को कहा कि बजाता हूं ये सितार, मगर एक शर्त है, बिल्कुल स्थिरता चाहिए, किसी का सिर थोड़ा भी नहीं हिले, न डोले। राजा ने कहा मंजूर है। राजा ने सभी लोगों को कह दिया कि जिसका सिर थोड़ा भी डोलेगा, ये तलवार खुली है, वहीं पर ही गर्दन काट दी जाएगी, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और सितार बजाना शुरू किया और सब लोग एकाग्र होकर के सुन रहे, एक व्यक्ति से नहीं रहा गया, उसका सिर हिल गया। जैसे ही सिर डोला कि राजा उसकी गर्दन काटने जा रहे थे, उस सितार वादक ने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया कि महाराज इस कमरे में जितने भी है उन सबको बाहर निकालो, उस व्यक्ति के अलावा जिसका सिर हिल गया, क्योंकि उसने मृत्यु की भी फिक्र नहीं की और मस्ती में मस्त हो गया। मैं ऐसे मस्तानों के लिए बजाता हूं जो मृत्यु का भी विचार न करे। मैं ये कहता हूं कि सामने सितार ऐसा बजता हो और वो तुम्हें कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ बज रहा है और तुम डोलने लगते हो, मगर उसके अंतर में मस्ती थी। यदि तुम्हारे अंतर में मस्ती हो और मुनि कुछ भी न बोले, वो सिर्फ ध्यान में लीन हो, तो भी तुम्हें बहुत कुछ वहां से वाइब्रेशंस मिलेंगे। यही तो वाइब्रेशंस। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में शेर को बकरी को खाने का भाव नहीं आता, और वही शेर कभी मुनि को खा जाता, मुनि को खा जाता, मगर भगवान के समोसरण में भगवान को खाने तो नहीं जाता, पास में बकरी है उसे भी खाने का भाव नहीं आता। वो एरिया ऐसा होता है, वो स्थान ऐसा है, वहां का वाइब्रेशन ऐसा, वरना मैं यहां गजपंथा में नहीं बैठता, कहीं पर भी बैठता। यहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, क्षमा करना, बीच बीच में आपको थोड़ा व्यवधान होता होगा, 2-5 मिनट कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। कल रात को बहुत बार ऐसा हुआ होगा,
यदि आज मैं अमेरिका में बैठता तो 5G की स्पीड होती, 142 Mbps की स्पीड होती, एक बार भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं कटता, मुझे पक्का भरोसा। मगर मैं जानबूझकर यहां बैठा, क्योंकि यह शिविर गजपंथा में ही होनी थी। अपूर्व अवसर गजपंथा में होगा, यह अपूर्व अवसर शिविर, एक ज्ञान दीपक, एक चैतन्य परमात्मा मुनिराज की संगति में वाइब्रेशन एडॉप्ट करना। मगर वो तुम तब कर सकोगे, तुम तब कर सकोगे, वह तुम्हें कुछ भी न करे, मगर तुम तब कर सकोगे जब तुम्हारे भीतर सामने सुंदर स्त्री हो, वो तुम्हें छूने भी ना आए, मगर तुम्हारा शरीर देखो कंपायमान होता है, यहां पर ध्रुजने लगता है कि उसको मैं कब छू, उसे छुआ नहीं है, दूर है, सामने शत्रु है, वो तो तुम्हें यहां छूने भी नहीं आया, हाथ पिलाने कैसे आए, वो तो छूता भी नहीं, मगर तुम्हारी आंखें लाल लाल हो जाती है। ये आंखों को क्या हो गया? कुछ वहां पर कोई मनोरंजन करता हो, कोई खेल दिखाता, तुम्हारा चेहरा यहां पर प्रफुल्लित होता है। ये प्रफुल्लितता कहां से आई? तुम्हारे भीतर वो भाव था, सामने कोई निमित्त मिला कि वो भाव उठा, सामने है उसके कारण नहीं, तुम्हारे भीतर था वही, इसलिए मुनि के प्रति तुम्हें भाव होगा। मुनि कुछ भी तुम्हारे पास न आएंगे, तुम मुनि के पास न जाओगे, उस जगह पर बैठ करके भी तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, मुनिराज की वह दशा, योग की प्रवर्तना होती है, शरीर की प्रवर्तना होती है, मगर संयम मुख्य है। इसलिए जो ये कहता हूं, अब तो इस देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए, ये सब उसमें समझ लेना, मुनिराज की साधना चैतन्य के लिए। खाते पीते प्रत्येक क्रिया में उन्हें संयम, मगर भूखा रहना, प्यासा रहना, एक जगह पर रहना, विहार कर देना, ये सब संयम का प्रतीक नहीं, ये सब बाहर के चिन्ह है, ये संयम नहीं है। फिर से कह दो, पांचों इंद्रियों में विहार समय पर करते हैं, और इंद्रियों के विषयों से वे दूर रहते, भोजन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, भूख से कम करते हैं, और इंद्रियों के वो जो षट रस को त्याग करके वो भोजन करते हैं, मगर वो संयम नहीं। एक टाइम भोजन करने का नाम संयम होता तो सिद्ध भगवान असंयमी होते, क्योंकि सिद्ध भगवान तो भोजन ही नहीं करते, अरिहंत भगवान असंयमी होते क्योंकि वे तो भोजन ही नहीं करते। इसलिए एक टाइम भोजन करने का नाम संयम नहीं है। जब आत्मा का उपयोग आत्मा में संयमित रहता है, आत्मा की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, अपनी लिमिट में ही रहता है, अपने में अपना अनुभव करता है, वह संयम है। और उस समय जो बाहर की स्थिति होती है उसे व्यवहार से संयम कहते हैं, वास्तव में वो संयम है नहीं। और जब भगवान होते हैं तब तो ये व्यवहार छूट जाता है, इसलिए खाना पीना छूट जाता है तो भी संयम नहीं छूटता, क्योंकि संयम आत्मा का धर्म है, और ये एक टाइम खाना ये देह की क्रिया, संयम का पालन करो, नीचे देखकर चलो ये संयम नहीं है, नीचे देखकर चलो ये संयम नहीं है। नीचे देखकर चलने का विकल्प आए वो एक कषाय चौकड़ी के उदय का परिणाम, जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, एक कषाय चौकड़ी बाकी है। छठे गुण स्थान में मुनिराज को नीचे देखकर चलने का विकल्प आया, वो संजुलन कषाय चौकड़ी का उदय है, ये कर्म के उदय का परिणाम ये विकल्प है, और विकल्प संयम नहीं है, क्योंकि संयम तो धर्म है, विकल्प धर्म कैसे होगा? संयम धर्म है, धर्म के 10 लक्षण में, और नीचे देखकर चलना ये जो विकल्प आया वो विकल्प संयम नहीं है, वो विकल्प तो असंयम है। तो संयम क्या?
कि उस समय जो विकल्प चल रहा है ये एक कषाय चौकड़ी के उदय से, और उसी समय तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से जो वितराग परिणति है वो वितराग परिणति संयम है। वो जो विकल्प उत्पन्न हुआ मगर विकल्प में मस्त नहीं हुए और वितराग होकर के रहे वो संयम। ये ऑपरेशन तुम्हारा होगा, ये अपूर्व अवसर में अच्छे अच्छे लोगों के ऑपरेशन हो जाएंगे, भ्रम टूटेंगे। एक टाइम आज आहार लेते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, हम तो वो कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हें वो महान लगते हैं क्योंकि तुम इतना भोजन करते हो, इसलिए एक टाइम भोजन करने वाले की महिमा आती। और इतने बीमार होते हो, एक आदमी ने इतने लड्डू खा ली और फिर गया डॉक्टर के पास तात्कालिक, तत्काल रिजर्वेशन। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत खराब हालत है, दवाई लेनी पड़ेगी, मैं जो गोली देता हूं वो गोली तात्कालिक ले लो। वो बोला डॉक्टर साहब गोली की जगह होती तो एक आध लड्डू खा लेता, जगह ही नहीं है गोली की। अब ऐसा खाने वाले को एक टाइम खाने वाले मुनि संयम ही दिखेंगे, ये दिखेंगे। मगर मैं क्या करूं, लोग परोसते हैं, मुझे खाने का मन नहीं होता मगर मैं जहां जाता हूं वहां लोग परोसते हैं। और अमेरिका में तो ऐसा है कि 10-10, 15-15, 20-20 लंबी कतार होती, एक हाथ से कोई खाना परोसता है, दूसरा उसके हाथ को छूता है, तीसरा उसके हाथ को छूता है, ऐसे वो भगवान की पूजा में अर्घम मिर्व पामिति स्वाहा। क्योंकि उन लोगों को ये मौका मिलता नहीं, साल में एक आध बार 25 राज्य में जाना होता है, तो वो हाथ लगाते, दूसरा उसका हाथ लगाते, कनेक्शन मिलता है। वो नीचे पैर से भी मिल सकता था मगर वो हाथ से, वो जमीन से भी कनेक्शन मगर हाथ का कनेक्शन लगता है कुछ हो रहा है। परोसते हैं, अब खाना पड़ता है, मैं क्या करूं? नहीं, परोसने वाले बहुत मिले मगर मैं स्वीकार नहीं करता। सामने राग प्रतिबिंबित हो मगर मैं स्वीकार नहीं करता, मैं ज्ञान का ही स्वीकार करता हूं, मेरी मर्जी, जो भी सामने आए स्वीकार करना नहीं करना मेरे पर है। नगर क्या करे लोग, ये मारवाड़ में लोग इतना मंदवाड़ करते, भी मैं राजस्थान में था, कहते मारवाड़ी तो कंजूस होते मगर खाने के मामले में तो उनके जैसे कोई नहीं। इसके अलावा इतना खिलाते कि खाओ खाओ, खाना परोसे तो खाना तो पड़ेगा, तुम इतने तो समझदार हो, तुम खा लेते हो क्योंकि तुम्हें खाना है, तुम्हें रस है। आज तुम भोजन करने बैठो तुम मेरा तो अपमान नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें आज परोसूंगा, मैं आज तुम्हें एक बर्फी परोसूंगा, बर्फी का टुकड़ा तुम्हें परोसूंगा, तुम खा लोगे ना? कि हाँ आप कहते हैं तो मना कैसे करना है? आज मैं तुम्हें एक साथ में 10 पैरासिटामोल परोसूंगा, खा ले। ना 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 ना, कैसा लगता है कि दवाई ऐसी थोड़ी खाई जाती, दवाई दवाई की लिमिट से खाते, जैसे तुम दवाई को खाते हो लिमिट में, ऐसे ही मुनि रोटी खाते हैं लिमिट में, जितनी जरूरत है उतनी, क्योंकि देह ही एक बीमारी है और देह को रोटी की दवाई की जरूरत है। देह में बीमारी नहीं, देह ही बीमारी है जिसमें रोटी की दवाई की जरूरत है, और जितनी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, कौन सा डॉक्टर, विकल्प का डॉक्टर, महावीर भगवान नहीं, क्योंकि सबके विकल्प अलग अलग है, जितना तक विकल्प है उतना भोजन कर लिया। संयम हेतु जितना संयम का पालन हो सके बस उस हिसाब से भोजन कर लेंगे, वो पता अब नहीं चलेगा, तब चलेगा जब तुम उस दशा में पहुंचोगे। एक एक कदम, इसलिए चलना उतना ही जितनी जरूर, एक कदम भी मुनि व्यर्थ में आगे नहीं बढ़ाते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। और हम बैठे बैठे भी कुर्सी पर बैठे, देखो कुर्सी पर हाथ पैर हिलाते रहते, यदि जमीन पर ऐसे हिलाते रहे तो कितने किलोमीटर पहुंच जाए, मगर चैन नहीं पड़ता। लोग ऐसे होते हैं कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाते रहते, क्योंकि कुछ तो करे, वो कर्तृत्व का भाव भी ऐसा होता है, कुछ नहीं करे वो कैसे चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा।
संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो। योग की प्रवर्तना होगी मगर जैसे चाहे ऐसे नहीं होगी, उसमें लिमिट होगी, उसमें मर्यादा होगी। कैसी? जिन आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, भगवान आज्ञा देते अर्थात वितरागी भगवान की वाणी में जो मुनिराज का स्वरूप बताया है उसके अनुसार वे आज्ञा का पालन करेंगे। मगर स्वरूप के लक्ष्य से, जिनेंद्र भगवान के लक्ष्य से नहीं, स्वरूप के लक्ष्य से, वहां देख करके नहीं। आज तुम्हें 3 घंटे में यह परीक्षा देनी है, आज्ञा है, शिक्षक की आज्ञा है, आज्ञा का तुम पालन करते हो। मगर जब लिखते हो उस समय शिक्षक को देख करके नहीं, तुम वहां पर नोटबुक में पेन से जो लिखते हो वहां तुम्हारा ध्यान वहां है। आज्ञा है शिक्षक की मगर लक्ष्य है तुम्हारा वहां लिखने पर। इसलिए संयम के हेतु जो व्रतादि पालन करना यह आज्ञा है जिनेंद्र भगवान की, मगर जबरदस्ती नहीं कि उन्होंने कहा इसलिए पालना पालन करना। जब दशा ऐसी निर्बल होती है तब इस प्रकार के व्रतादि पालन करने के भाव आते हैं। ऐसे ही व्रतादि पालन करने के भाव आते हैं जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहे, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं इसलिए जबरदस्ती पालन करना। जिन आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, गुरु की भी आज्ञा होती है, भगवान की भी आज्ञा होती है, आज्ञा की भी महिमा, मगर उसका भी इतना दुरुपयोग हो गया। लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं हमें आपके प्रवचन में तो आना है बैठना है मगर मेरे गुरु की आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं है क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी, ये सुनेंगे तो पता चलेगा कि अरे ऐसी चैतन्य की पुकार वो तो हमने कभी सुनी नहीं थी। आज्ञा नहीं, और वे गुरु लोग बार बार गुरु की आज्ञा लेने जाते हैं, प्रवचन सुनू, ये शास्त्र पढ़ू, मंदिर जाऊ, तीर्थ यात्रा करू, आज्ञा लेने जाते हैं, और थिएटर में मूवी देखने जाते आज्ञा नहीं लेते, चुपचाप चले जाते। अच्छे अच्छे काम में आज्ञा लेते हैं और पाप के काम में बिना आज्ञा के स्वयं ही गुरु, स्वयं ही शिष्य, स्वयं ही जिन, सब स्वयं। आज्ञा लेने की जरूरत क्या? ये सुनकर के तुम गजपंथा बिना पूछे मत आ जाना, आज्ञा लेकर के आना। यहां पर जगह लिमिटेड है, जहां जरूरत हो वहां आज्ञा लेना, मगर बात बात में आज्ञा लेने मत जाना। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, मैं आज्ञा जब सुनता हूं तो मुझे तो यही स्मरण में आता है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ये है कि आत्मा को ज्ञान में जानना, ये आज्ञा है। आज्ञा, आत्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान, आज्ञा आज्ञा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बस ये जागृति रखना, यही आज्ञा है। हे ज्ञान दीपक, तुम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना और मुनिराज का जो ये संयम है वो संयम का पालन करते करते ये जो क्रियाएं बताई उन क्रियाओं के विकल्प कैसे मंद होते हैं, और वहां से भी सिमट कर एक टाइम का भोजन, विहार, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं वो भी सिमट जाती है और वो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह कैसे लीन होते हैं, उस समय अंतिम परिणाम कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं आज शाम को बताऊंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूँ आप परमात्मा होगा, मैं आप समस्त परमात्मा होगा, मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण I got it.